अदालत से पहले मक्का टेरेस की बारी आई, अदालती हुक्म पर हथौड़े चल गए, मकीनों ने मुजाहमत की, मोहलत के लिए सिंध हाई कोर्ट गए तो आरजी रिलीफ मिल गया। अदालत ने एसबीसीए को 8 नवंबर तक ऑपरेशन रोकने का हुक्म दे दिया। जो वीडियो मुझे डिलीट करने की धमकी मिलन पियो डिलीट करियो न त तवा जे लाए मसलो थिंदो। कराची के मलीर मेमन गोठ में गैर मुल्कियों को शिकार से रोकने पर नाजिम जोखियों का कत्ल, लवाहिकीन का लाश के हमरा, नेशनल हाईवे घग्गर फाटक पर 14 घंटों से धरना जारी। एफआईआर में नामजद एमपीए जाम ओवैस की गिरफ्तारी का मुतालबा, पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया, 2 मुलजिमान को गिरफ्तार किया मगर जाम ओवैस को अब तक गिरफ्तार नहीं किया जा सका। वजीर इत्तलात सिंध सईद गनी ने मुलजिमान के खिलाफ कार्रवाई की यकीन दहानी करा दी। लाड़काना में एमपीए गुवर अली खान असरान के मुहाफिजों की मुबैना फायरिंग से खातून का कत्ल, पुलिस का एमपीए और उनके वालिद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने से इनकार, मकतूला के वरसा कहते हैं वाकये की वीडियो भी मौजूद है, अब इंसाफ दिया जाए। कराची के इलाके कयूमाबाद में शादी की तकरीब में पुलिस अहलकार की हवाई फायरिंग, जख्मी होने वाली बच्ची दौरान इलाज दम तोड़ गई, फायरिंग करने वाले पुलिस अहलकार और दूल्हे के 2 भाइयों को हिरासत में ले लिया गया। रावलपिंडी के होली फैमिली अस्पताल से इतवार को अगवा होने वाला 9 मौलूद बाजियाब करा लिया गया, बच्चा थाना न्यू टाउन मुंतकिल, लवाहिकीन के हवाले किया जाएगा, मुलजिमान को सीसीटीवी वीडियो की मदद से बाजियाब किया गया, मुलजिमान नर्सरी में गुड्डा रखकर बच्चा ले गए थे। सबसे ज्यादा पाकिस्तान में सेक्स क्राइम बढ़ रही है, ये हमारे लिए बड़ी शर्मनाक चीज है और ये मैं फिर से कह रहा हूं कि ये मोबाइल फोन का जो चैलेंज आया है इसकी इच्छाइयां एक तरफ, जो दूसरी तरफ आ रहा है उससे बहुत बड़ा चेंज आ रहा है हमारे माशरे में। पाकिस्तान में जिंसी जराइम तेजी से बढ़ रहे हैं जो शर्मनाक है, वजीर आजम इमरान खान कहते हैं मोबाइल फोन की वजह से माशरे में बहुत बड़ी तब्दीली आ रही है। ज़ैनब केस पर पूरा मुआशरा खड़ा हो गया था, अब रोजाना ज्यादती के केसेस रिपोर्ट होते हैं, कोई रद्द अमल नहीं आता। जिंसी ज्यादती तन्हाई में किया जाने वाला जुर्म है, गवाहों का होना मुमकिन नहीं, सजा के लिए मुतासिरा फरीक का दिया गया बयान भी काफी होगा। सुप्रीम कोर्ट का जिंसी ज्यादती के मुतासिरा अफराद के हक में बड़ा फैसला, नौशकी में 7 साल बच्ची से ज्यादती के मुजरिम की 7 साल सजा के खिलाफ अपील खारिज कर दी। पंजाब काबीना ने टीएलपी के साथ कलदम का लफ्ज हटाने की मंजूरी दे दी, समरी अब विफाक को इरसाल की जाएगी, काबीना कमेटी बराए अमनो अमान ने मजीद 100 कारकुन रिहा करने की भी मंजूरी दे दी। भाई मेरे साथ जब साद रिजवी साहब की बातचीत हुई उसमें वो कायम थे फ्रेंच एम्बेसी पे, बाकी जो मसले इस महफिल के दौरान ही वजीर आजम साहब की हदायत आई थी, उन्होंने कहा कि हदायत यही है कि वजीर दाखिला का कलदम तंजीम के मामले पर बात करने से इनकार, ये जरूर बता दिया कि साद हुसैन रिजवी से बात हुई तो वो फ्रांस के मुतालबे पर कायम थे, किसकी डील किससे हुई ये नहीं पता, लेकिन इमरान खान 5 साल जरूर पूरे करेंगे। सारे मुझे कहते जी आप क्यों ये इनके पीछे करप्शन पड़े रहते हैं, वो बड़े खानदानों के पीछे, मेरी उनसे कोई जाती लड़ाई बल्कि मेरी तो दोस्तियां होती थी उनसे, मुझे कहते हैं जी वो अपोजिशन लीडर है आप उसे हाथ नहीं मिलाते, उसके ऊपर वो रुपए के करप्शन के केसेस है, मैं उसके ऊपर हाथ मिलाता हूँ तो मैं एक्सेप्ट करवा देता हूँ माशरे में कि बुरी चीज ही नहीं है ये। दो खानदानों से जाती लड़ाई नहीं, अपोजिशन लीडर पर अरबों रुपए के करप्शन केसेस है, उनसे हाथ मिलाने का मतलब करप्शन को कबूल करना है। वजीर आजम इमरान खान का तकरीब से खिताब, कहा करप्शन पाकिस्तान का बड़ा चैलेंज है, बुरे को बुरा न बोले तो समझे जवाल शुरू हो गया। 50% आबादी को हम कहें कि उसने काम ही नहीं करना तो जाहिर है मुल्क आगे नहीं जा सकता। जब तक खवातीन को हम अपनी इकोनॉमिक लाइफ में बराबर शरीक नहीं करेंगे ये मुल्क जो है वो गरीब ही रहेगा, क्योंकि 50% आबादी घर पे बैठी हुई। फवाद चौधरी ने महंगाई से निपटने का मगरबी नुस्खा बता दिया, कहा घर बैठी पढ़ी लिखी खवातीन मईशत में अपना हिस्सा डालें, 50% आबादी जब घर पर बैठी रहेगी
तो मुल्क गरीब ही रहेगा। वजीर इत्तिलात ने कहा, महंगाई महंगाई का शोर तो सिर्फ शहरों में सुनने को मिलता है, गाँव देहात वालों की आमदनी बढ़ी है, वहाँ से शिकवा नहीं किया जाता। चाय फीकी पिए, मिठाई का सोचे बिना, हुकूमत के दावे धरे के धरे रह गए। चीनी पेट्रोल से भी महंगी हो गई। शुगर मिल्स ने एक्स मिल कीमत 140 रुपए किलो कर दी। होलसेल कीमत 142 रुपए में फरोख्त होगी। होलसेल ग्रोसर्स ने चीनी की कीमत में इजाफे को अफरा तफरी करार दे दिया। शुगर माफिया को लगाम देने का मुतालबा। लोगों को महंगाई की वजह से तकलीफ है और हुकूमत को इसका एहसास है, तो एक नया एहसास का प्रोग्राम लाया जा रहा है जिसका नाम है एहसास राशन। 13 करोड़ लोग मुस्तफीद होंगे। पीर के दिन एक वेब पोर्टल खुल जाएगा। सिस्टम से मुस्तफीद होने के लिए शिनाख्ती कार्ड के नंबर पर मोबाइल फोन होना बहुत जरूरी है। फूड सब्सिडी प्रोग्राम से फायदा उठाने के लिए शिनाख्ती कार्ड नंबर पर मोबाइल फोन सिम का होना जरूरी है। जांच पड़ताल के बाद फहरिस्त शाया की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म की मौविन खुसूसी सानिया निश्तर कहती हैं, वेब पोर्टल पर इंदिराज पीर से शुरू होगा। 3 हफ्ते में अवाम और किराना स्टोर्स की रजिस्ट्रेशन मुकम्मल कर ली जाएगी। दिफाई चैंपियन वेस्ट इंडीज T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल तक न पहुंच सकी। श्रीलंका ने 20 रन से शिकस्त दे दी। 190 रन के ताकुब में वेस्ट इंडीज 169 रन बना सकी। ऑस्ट्रेलिया ने बांग्लादेश को 8 विकेटों से हराकर 2 कीमती पॉइंट्स हासिल कर लिए, रन रेट भी बेहतर कर लिया। और लाहौर में पाक फौज के जेर एहतमाम 3री आलमी चैंपियनशिप मुकाबले जारी। सिटअप्स में पाक आर्मी के जवान ने पहली पोजीशन हासिल की। 30 मिनट में 2108 सिटअप लगाए। श्रीलंका के डिसा नायका की दूसरी पोजीशन।